इस बड़ी सी कायनात में एक छोटी सी मखलूक की मौत हो गई है। यार क्या ज़बरदस्त युद्ध है ओमान की, देख रहे हैं आप। वो कहते हैं ना, जहाँ के मैदान आबाद होते हैं वहाँ पे अस्पताल वीरान होते हैं। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त सुबह के तकरीबन 4:30 हो गए हैं। आप देख सकते हैं बाहर अंधेरा है, अभी मैंने कार की लाइटें ऑन की हुई हैं। तो कोई हफ्ता हो गया है तकरीबन, मैं सुबह से मैंने वॉकिंग स्टार्ट की हुई है। बीच पे आता हूँ, 1 घंटे की एक्सरसाइज होती है, वापस चला जाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत बीच है, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को बीच भी दिखा दूँ। तो थोड़ी सी रोशनी होने दें, तब तक मैं वॉकिंग कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बीच भी दिखा देता हूँ। चलिए, ये सुबह सवेरे 5 बज गए होंगे। बीच के साथ मुल्हिक जो पार्क है उसका मंजर है, चेक कीजिए। क्या हरियाली देख के पता नहीं वैसे ही दिल खुश हो जाता है। अल्लाह की शान है, वैसे अल्लाह ने इंसान की फितरत में डाली हुई है। ओए होए होए होए, आज तो तूफान आया हुआ है समुद्र में। ऐसी लहरें मैंने आज तक देखी नहीं है वैसे, हालांकि मुझे आते हुए कोई हफ्ता दो हफ्ता हो गया वॉकिंग पे। बहुत ही मुश्किल काम है भाई, सुबह सुबह इरादा तो कर लेते हैं लेकिन बहुत मुश्किल काम है। मेरी हालत देख रहे हैं आप, अभी कोई 10 मिनट 11 मिनट हो गए वॉकिंग शुरू की हुई और ये हालत हो गई है, पसीनों में डूब गया हूँ मैं। तो ये सब इतने सालों से कोई एक्सरसाइज नहीं की, कोई गेम शेम नहीं खेली, उसका नतीजा है। तो इंशाल्लाह अब रेगुलर एक्सरसाइज होगी जब तक ये पेट अंदर नहीं जाता। तो लेट्स सी कब तक चलते हैं। और ये एक अजीब सा परिंदा जा रहा है, इसकी रफ्तार चेक करें आप, क्या बात है, पता नहीं ये क्या खा रहा है। कुदरत, अल्लाह ने सबका रिजक लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, देखिए। तो
चलिए ऐसा ना हो हम कि किसी शार्क का रिजक बन जाए, निकलते हैं अपनी एक्सरसाइज करके। सुबह सुबह वॉक करने आ जाते हैं। रात को टिकाके बारिश हुई है लगता है, पानी अभी भी ऊपर, या तो समंदर का पानी आया होगा शायद, रात को लहरें ज़्यादा हो जाती हैं। यार इधर की एक बहुत अच्छी बात ये लगती है, यहाँ पे बीच के साथ जो घर बनाए जाते हैं ना, वाह आलीशान घर बनाए जाते हैं, बाकी नॉर्मल ही होते हैं। एक साथ देखें एक झील भी बना हुआ है। चलिए हम आपको अपनी कुछ स्किल्स दिखाते हैं एक्सरसाइज के। ये देखिए इसी तरह शाम को भी ठीक ठाक रश होता है पार्क में।